गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, वेलकम अगेन हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 14 वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जो हम इंग्लिश में वन वर्ड पढ़ते हैं, ऐसे हिंदी में क्या होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, हिंदी ग्रामर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पेज नंबर 54। लुक एट दिस, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चित्र बनाने वाला कौन हुआ? चित्रकार। जिसमें दया हो वह कौन हुआ? दयालु। जो मूर्ति बनाता हो कौन होता है? वो मूर्तिकार। जिसका कोई आकार ना हो वह कौन हुआ? निराकार। जो परिश्रम करता हो परिश्रमी। जो कभी न मरे अमर। जो डरता हो डरपोक। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जिसका अंत ना हो अनंत। शिव का उपासक कौन होता है? शिव। शिव का उपासक। जो खेती करता हो किसान। अपने देश की वस्तु स्वदेशी। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय। जो आलस करता हो वह कौन होता है? आलसी। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। जो अनुभव रखता हो अनुभवी। पूजा के योग्य पूजनीय। पूजा के योग्य पूजनीय। नगर में रहने वाला नागरिक। नगर में रहने वाला कौन होता है? नागरिक। ये सभी क्या है? वाक्यों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट, अधिक बोलने वाला वाचाल। क्या बोलते हैं उसे? वाचाल। जनता के द्वारा संचालित राज्य है लोकतंत्र। कम बोलने वाला मितभाषी। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे उसे? प्रत्यक्ष। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। दूसरों पर किया गया उपकार परोपकार। जो सामने न हो परोक्ष। जिस स्थान पर कोई न हो निर्जन। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदृष्टा। जिसके कई उपयोग हों बहु उपयोगी। ये सभी क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो किसी का पक्ष ना ले निष्पक्ष। जो श्रद्धा के योग्य हो श्रद्धे। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। जो दूसरों से संकोच करे संकोची। जिसका कोई संतान न हो निसंतान। जो पिता का भक्त हो क्या बोलेंगे उसे? पितृभक्त। जो गुरु का भक्त हो वो गुरु भक्त। जो अचानक घर आ जाए अतिथि। जो फल खाता हो उसे क्या कहेंगे? फलाहारी। जो दिखाई ना दे अदृश्य। और जो श्रद्धा रखे श्रद्धालु। ओके, नाउ चेंज योर पेज, पेज नंबर 55। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। दूध का पर्यायवाची दुग्ध, क्षीर, पेय। चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्र, शशि, सुधाकर। लक्ष्मी का श्री, पद्मा, कमला। ऐसे ही बादल, पेड़ और बेटा। डू योर सेल्फ वर्क। आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, आप स्वयं कीजिए। ओके, जो शब्द अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। शिव। शिव को क्या क्या बोलते हैं? आशुतोष और शंभु बोलते हैं, लेकिन लंबोदर नहीं बोलते। लंबोदर कौन होते हैं? गणेश जी। तो ऐसे ये क्या है? इनका जो शब्द अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो इनमें से नहीं है उस पर हमें सर्कल करना है। तो कौन से नहीं है? लंबोदर। अमृत का मधु। पर्वत को क्या बोलते हैं? अचल पहाड़ बोलते हैं, लेकिन रवि नहीं बोलते। रवि किसका होता है? सूर्य का। लक्ष्मी, पद्मा,
चपल श्री, तो इसमें क्या है चपल। फूल का कमल, कमल तो खुद ही फूल है, उसको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे, तो कमल के पर्यायवाची शब्द सुमन और पुष्प तो हैं बट कमल नहीं है, इसलिए हम उस पर सर्कल करेंगे। पानी का जल वारी नीड, जल और वारी है पर नीड नहीं है, नीड क्या होता है घोंसला होता है, इसीलिए हम नीड पर घोंसला करेंगे। दुग्ध का दुग्ध पै और सलिल, तो सलिल नहीं है, सलिल पर सर्कल कीजिए। ओके नाउ चेंज योर पेज। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लाभ हानि, विलोम शब्द अपने आप आपने पढ़े हैं। सरल का कठिन, मित्र का शत्रु, प्रेम का घृणा, सभी ने पढ़े हैं ना, सभी विलोम शब्द लिखेंगे अपनी बुक में। स्वतंत्र प्रतंत्र, पवित्र अपवित्र, जीत का हार, स्वच्छ का अस्वच्छ, चतुर का मूर्ख, न्याय अन्याय, सच का झूठ, विश्वास का अविश्वास, प्रकाश का अंधकार, ऊंच का नीच, उपकार अपकार, धर्म अधर्म, अपना पराया, लेना देना, वीर कायर, ये क्या हुए विलोम शब्द। नेक्स्ट टॉपिक, शब्द के सामने उसके सही विलोम शब्द पर राइट क्लिक कीजिए। कम का क्या होगा, पुण्य या अधिक, तो आंसर में क्या आएगा, देखिए सेकंड पे पुण्य लिखा हुआ है अधिक, तो आंसर में अधिक पर राइट क्लिक। सेकंड है गरीब, गरीब का नीचे या अमीर, अमीर। मान का अपमान, नवीन का प्राचीन, उपकार का अपकार, ये क्या हुए विलोम शब्द पर राइट क्लिक। नेक्स्ट वन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से रिक्त स्थान भरें। मेरे पिताजी क्या हैं, अध्यापक हैं, वे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाता हो वो कौन होता है अध्यापक। सेकंड, कल हमारे विद्यालय का समारोह है, यह वर्ष में एक बार आता है, जो वर्ष में एक बार आता हो उसे क्या कहेंगे हम वार्षिक, तो वार्षिक लिखा। नमन बहुत कम बोलता है, कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं मितभाषी। खेतों में काम करने वाले को क्या कहते हैं किसान। चेंज योर पेज, मिलान कीजिए, जो बच्चों को पढ़ाता हो, डू योर सेल्फ वर्क, शिक्षक, जिसमें दया हो, दयालु। ओके डू इट योर सेल्फ वर्क स्टूडेंट्स। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। शिव के उपासक कौन हुए, शिव। जो फल खाता हो, फलाहारी। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो श्रद्धा के योग्य हो, श्रद्धेय। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। ओके शब्द समूहों के लिए एक शब्द, डू इट योर सेल्फ, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ओके ऐसे आपको ये स्वयं करने हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।